मैं अनीता चावला एडवोकेट मथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत कर रही हूँ पिछले 2009 से। मेरे को अभी पिछले 6 महीने से स्टमक में अपना मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम मालूम पड़ी, जिसके संबंध में मैंने मेदांता मेट्रो सब जगह ओपीडी करवाई थी। सिर्फ एक ये था कि फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए थी दिल्ली स्तर की, जो कि मुझे सिम्स हॉस्पिटल मथुरा, जो कि एक नई ब्रांच ISBT बस स्टैंड के पास खुली है, वहाँ पर मुझे सारी फैसिलिटीज़ मेदांता और मेट्रो के लेवल की मिली यहाँ के रूम्स में। तो मैंने यहाँ अपना OT ऑपरेशन सर्जरी प्लान करी। 9 तारीख को मैंने अपनी सर्जरी करवाई। डॉक्टर विजयन तिवारी जी, जिन पर मेरा पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि मेरा बहुत मेडिकल लाइन में हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती मैं, मैंने सारे डॉक्टर से सजेशन लिया, इवन रेनबो हॉस्पिटल मेदांता में OPD कराई, मेट्रो में कराई, बट डॉक्टर विजयन तिवारी इज़ बेस्ट। उन्होंने मेरी सर्जरी की, क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन से बहुत एक फोबिया भी है, जिन्होंने, और डॉक्टर पंकज शर्मा जी जो सिम्स में डॉक्टर हैं एनीथीसिया के, जिनकी वजह से मुझे हिम्मत मिली, और मेरे साथ गीता जी हैं जो मेरी फ्रेंड भी हैं, इन दोनों के साथ रहने की वजह से, डॉक्टर पंकज जी की वजह से, गीता जी की वजह से मैंने ये सर्जरी यहाँ पर करवा पाई। मैं पहली बार मेरे साथ कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ, और आज 9 तारीख के बाद आज 14 तारीख को मैं यहाँ से डिस्चार्ज ले रही हूँ, और मैं फुली सेटिस्फाई हूँ सिम्स की फैसिलिटीज़ के साथ। और मैं अपने मथुरा जनपद वासियों से भी कहूँगी कि अगर आपको बाहर जा रहे हैं और आपको अगर लोकल स्तर पर डॉक्टर्स अच्छे हैं, ट्रस्ट वाले हैं, तो आप सिम्स में आइए, आपको पूरी मेदांता के लेवल की आपको रूम्स में फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।